प्रोटेक्शन एक्ट विवाद पिछले दो सालों से कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट की पहली सुनवाई में ही आखिरी निर्णय आने तक एफआरसी द्वारा तय फीस लेने का आदेश जारी किया गया था, किंतु स्कूलों की मनमानी इतनी बढ़ गई थी कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को टाक पर रखकर न सिर्फ स्कूल द्वारा तय फीस भरने के लिए अभिभावकों को बाध्य किया बल्कि फीस के लिए स्कूलों के बच्चों को निकाले जाने का भी मामला सामने आया। यही नहीं, कई स्कूलों के छात्र को इस आधार पर एलसी पकड़ा दी गई क्योंकि उनके पास अभिभावकों ने एफआरसी द्वारा तय फीस भरी थी। ऐसे ही एक मामले में अर्जी दायर हुई थी जिसमें छात्र को स्कूल से निकाले जाने का मामला था जबकि अभिभावकों ने एफआरसी द्वारा तय फीस भर दी थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम निर्णय अभिभावकों के हक में किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार स्कूलों की एफआरसी द्वारा तय फीस ही लेना है। उल्लेखनीय है कि इस निर्णय से सूरत के अभिभावकों में खुशी और जोश का माहौल देखा जा रहा है, जहां एक तरफ अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम निर्णय से ही जश्न मनाना शुरू कर दिया, वहीं संचालकों में निराशा व्याप्त है और संचालक अगस्त में होने वाली अगली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। गौतम जैन, अभी जो फैसला हुआ है उसमें सभी पेरेंट्स गदगद हैं और खुशी का माहौल है, लेकिन हम ये रिक्वेस्ट एफआरसी से करते हैं कि ये खुशी हमारी आगे के लिए रखिए। ये ऐसा नहीं हो कि एफआरसी से ये विनती है कि वो कोई घालमेल अभी ना करे और इसको तुरंत प्रभाव से ये लागू कराएं स्कूल में, क्योंकि स्कूल वालों की दादागिरी ये चल रही है, 3 साल से लड़ाई चल रही है। ये सिर्फ फीस का नहीं है, फीस के साथ साथ बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कमीशन खाई जा रही है, बुक्स पे, ड्रेस पे, एजुकेशन पे। ये माफिया है बहुत बड़ा और इनका सिंडिकेट है एक पूरा। तो ये हम एफआरसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको जल्दी से जल्दी लागू कराइए और खुशी जो है हमारी और बढ़ाइए।